कौन था जब मैं नहीं कुछ और था, एवरेज सा स्टूडेंट था, ना टॉपर ना टफर था। स्कूल बस से बैठ के मैं रोज करता 2 घंटे का सफर था। स्कूल में मुझे कोई खास नहीं जानता था। क्लास की लड़कियां जब मुझे बाहर मिलती थी मुझे कोई नहीं पहचानता था। ज्यादा दोस्त भी नहीं थे मेरे, थोड़ा शाय बाय नेचर, थोड़ा इमैच्योर था, पर वो भी क्या दौर था जब मैं नहीं दौर था। अपन 10th पास आउट हो गए और 11th चले गए और मैथ्स लिया था मैंने, होशियार थोड़ा ठीक ठाक तो मैथ्स लिया था। और क्लास फिर चेंज होती है, 11th में जाओ तो नए नए सेक्शन के लोग आते हैं, तो अभी तक मैं अकेला सरदार था, पर अब सरदारनी भी आई थी। बस ऐसे ही उस दिन भी हुआ, मैं क्लास बेंच में बैठा था और वो लड़की ऐसे आ रही है और दो सब के कमीने होते ही सब चिल्ला रहे, ये सरदार क्या बात है, हाय हाय, बोला मत करो उसको पता चल जाएगा, और चल गया उसको पता। तो 11वीं में था तब क्लास में एक सरदारनी आई थी और एक ही दिन में उसने तबाही मचाई थी। उसके क्लास में आते ही मेरे दोस्तों ने चिढ़ाया मुझे और क्या हल्ला मचा था। अगले दिन मैं उसके बॉयफ्रेंड से मार खाते खाते बचा और उस लड़की से मेरी कभी बात नहीं हुई क्योंकि महंगा पड़ा वो पहले दिन का शोर था, वो भी क्या दौर था जब मैं नहीं कुछ और था। मैं कभी उसको एक्सप्रेस कर ही नहीं पाया कि मतलब उस दिन मेरी गलती नहीं थी और वैसे उसकी भी नहीं थी। सिचुएशन के हमारे ऐसी हो जाती है, 2 साल तक वो मेरे बेंच के सामने में बैठती थी और हम आपस में बात वगैरह नहीं करते थे, अजीब सा लगता। मैं सोचा कि कभी बता दूं, लेकिन जब उसका बॉयफ्रेंड मेरे को मारने आया था ना तो उसने बोला कि बात कर ले इसे करके, तो मेरे को लगा आप चांटे वांटे पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसने ये कह दिया लड़की ने कि हाँ मुझे तो इससे बात भी नहीं करनी। मतलब इतने नीचे गिरा दिया। तब मैं, हर आदमी जो होता है वो अपनी लाइफ की स्टोरी का हीरो होता है, मैं विलन हो गया पापा रंजीत। उसके बाद 12th चले गए अपन, 12th पास आउट हो गए, अब प्रो लाइफ का सीरियस पार्ट आया। 12th पास आउट नहीं हुए थे, 12th पढ़ रहे थे, तो हमारे स्कूल में क्या होता है कि आखिरी के 6 महीने की फीस आपको एक साथ देनी होती है। जो अच्छे स्कूल में पढ़ते होंगे ना वैसे दिखते रहे सब अच्छे अच्छे क्वार्टरली फीस पेमेंट सिस्टम होता है, पर लास्ट में आपको 6 महीने की एक साथ देनी पड़ती है क्योंकि स्कूल वालों को भरोसा नहीं होता है कि PL के बाद ये फीस देगा। तो जिंदगी में एक ऐसा दौर भी आया जिसने असल दुनिया से वाकिफ कराया। 6 महीने की फीस एक साथ देनी थी। डैडी घर पर आए, हमने अलमारी के लॉकर खोले और जहाँ भी हम पैसे रखते थे छोटे छोटे पर्स या बॉक्स हमने सब टटोले, पर फीस देने को 500 रुपए कम पड़ गए। चलो फीस तो मैंने 2 दिन बाद दे दी, पर एक दोस्त से मेरे फासले बढ़ गए। वो दोस्त जो 70-80 हजार की बाइक में स्कूल आता था, उस टाइम पे वो नोकिया के महंगे फोन चलाता था जिसको मैंने कई बारी मैथ्स था पढ़ाया, पर जब मेरा समय आया वो मुझे 500 रुपए भी देना पाया। सबसे पैसा ही सब कुछ है मेरे भाई, ऐसा मेरा मन बन गया और मैं ना रहा, मैं बन गया। आज उस दोस्त से कोई शिकवा गिला नहीं है, ठीक है जब आप छोटे हो तभी सब बातें हर्ट करती है, तो यही कहूंगा कि आपका अगर कोई दोस्त सही कोई भी आपसे हेल्प कभी पूछता है कि मेरी हेल्प कर दो तो कर देनी चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कर दूँ। अब आखिरी कुछ लाइनें, फिर क्या था छोड़ दी पढ़ाई मैंने और कॉल सेंटर ज्वाइन कर लिया। लेना था किसी कॉलेज में एडमिशन पर जॉब एग्रीमेंट पे साइन कर दिया। वहाँ मैंने अपना कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव किया, ऑफिस के हॉल ऑफ फेम में फोटो लगवाई, अपने आप को प्रूव किया और वहाँ के लोगों से ही मेरा अपनापन बन गया और मैं ना रहा, मैं बन गया।